बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अल्टरनेटिंग सिंबल और कर्नेकर डेल्टा, उनको यूज़ करने का तरीका समझाया जा रहा है। यानी कि आपको इन फ्यूचर जहाँ पे इनका यूज़ करना हो तो आपको ये पता हो कि ये कर क्या रहे हैं। अल्टरनेटिंग सिंबल की डेफिनेशन एज इट इज़ जो पिछले लेक्चर में लिखी हुई थी वही है। अब वो तो डिस्कस उतना की है कि अगर आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में होंगे तो प्लस वन, आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में ना हो माइनस वन, और अगर दो एक जैसे आ जाए तो आंसर जीरो। इसके मुताबिक ये कुछ प्रूफ्स हैं, उस स्टाइल से कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। और साथ ही इनके ये देखिए ऊपर हेडिंग लिखा है अल्टरनेटिंग सिंबल्स और कर्नेकर डेल्टा। तो डेल्टा इनके साथ कैसे एंगेज होता है, ये जरा डेल्टा की थोड़ी सी आउटपुट जरूर नोट करें। ये आउटपुट का मतलब ये बातें हमने स्लो एंड स्टेडी याद कर लेनी है। ये मेरा काम है ना आपको किस हद तक कैपेबल बनाना कि हम ये कैसे याद करेंगे। जाहिर है जो बच्चा अंडर प्रोसेस है, वर्किंग करने की कोशिश कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको अभी याद हो जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेशंस मैं बार बार दे रहा हूँ, उनका यूज साथ साथ उस स्टाइल से दे रहा हूँ कि वो पीछे ना रहे, कम से कम इस तरह की सेटिंग हो जाए कि आप वो कैप्चर कर सकें, आइंदा के लिए परफेक्टली यूज कर सकें। ये देखिए, जब डमी इंडेक्स डेल्टा के साथ आई आई आता है, पहले ये बात ना कि जब ये एक जैसे हैं तो वन, जब ये डिफरेंट हैं तो जीरो। अब देखिए आई आई, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि यहाँ अगर जे जे आएगा, यहाँ अगर डेल्टा के के आएगा तो सबका आंसर थ्री ही रहना है। इसमें कौन सा मसला है, यानी कि जब दो डमी इंडेक्स आएंगे, एक डमी इंडेक्स उसका दो नाम रख दूँ, एक जैसे जब ये एलिमेंट आएंगे तो उसको डमी इंडेक्स बोलते हैं, तो डेल्टा के सिंबल के साथ उसका आंसर थ्री है। इतनी की बात है ना, डेल्टा वन वन प्लस डेल्टा टू टू प्लस डेल्टा थ्री थ्री, ये समेशन कन्वेंशन ही तो लगाया गया है, उनको सम अप करना है, वन से थ्री तक वैल्यूज डालनी है, तो अल्टीमेटली ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो इतना ही काम है ना। आहिस्ता आहिस्ता ये परफेक्ट होता जाएगा कि जब डमी इंडेक्स के साथ डेल्टा को डील करना है तो आंसर थ्री। एक बार दो डेल्टा आ जाए आई के आई के, ये यानी कि डेल्टाज का रूल है, इसको हम एक ऑपरेटर के तौर पे सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर का नाम भी दे चुके हैं। ये सब्स्टिट्यूट कर देता है वैल्यू, किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता है, नाम इसका सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर इसीलिए है, जो डमी वैल्यू होती है जो रिपीट हो रही होती है उसको ये आगे पुट कर देता है खत्म करके। ये देखिए के और के खत्म कर दे फर्ज करें तो आई आई आ जाएगा, आई खत्म कर दे तो के किया जाएगा, फिर वही सेटअप बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर भी थ्री। अब जब इनकी बात करेंगे, इनको साइक्लिक ऑर्डर में समझ लें, ये यानी कि आपको ज्यादा आसान है याद रखना। आई जे जे के आई, अगर तीन डेल्टास इस तरह से आ जाए तो देन भी आंसर थ्री। अब मैं प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा, प्रूफ हम इससे पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। देखिए ना, इन दोनों में से जे खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचा, डेल्टा आई के, क्योंकि ये जे डमी है, बाकी क्या बचा, आई के, और ये आगे के आई, फिर इसके मुताबिक वो थ्री हो जाएगा। लेकिन मैं याद करने की बात समझा रहा हूं, आप कैसे याद रखेंगे, आई जे जे के आई साइक्लिक ऑर्डर है आई जे के का, तो तीन डेल्टाज हैं इकट्ठे, देन आंसर थ्री। इस तरह एक सीक्वेंस बना के याद करें। उसके बाद ये जो फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है और एट्थ पार्ट है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये एट्थ है, ये आपको सिर्फ वो सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर समझाना है। इनके कब तक नहीं याद रहेगा, ये देखिए, जब ये डेल्टा किसी भी नंबर पर एक्ट करेगा तो डमी इंडेक्स को फारिग कर देगा, वहां से ही देखिए डमी इंडेक्स कौन सा है, अब जे, बाकी का रह गया आई, वो उस ए के साथ पुट कर देगा, खुद से खत्म हो जाएगा, जस्ट लाइक जैसे डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है, सेवन पर अप्लाई होके जीरो हो गया, खुद कम हो गया।
इसी तरह डेरिवेटिव का ऑपरेटर इस पे एक्ट किया तो खुद कहां गया, खत्म हो गया ना। तो इस तरह डेल्टा जब इस पे ऑपरेट हुआ तो डमी इंडेक्स खत्म हो गया, ये वाला उस जगह पे ऑपरेट हो गया, खुद खत्म हो गया। अब देखिए जब डेल्टा सिंगल है तो आगे एलिमेंट भी सिंगल होगा, जब डेल्टा डबल है, जब डेल्टा डबल है तो आगे भी वो दो सब हैं। ये देखिए इधर एक सब था ना, यही वो नोटेबल पॉइंट्स है ना, इधर दो सब हैं। दो सब किस लिए आए, क्योंकि डेल्टास दो हैं। अभी आपने ध्यान रखना है इनकमिंग वर्किंग, जब फ्यूचर में आपकी वर्किंग होगी तो ये देखिए डेल्टा 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 आई जे जे के आर एन के एम कुछ भी लिख दिया तो आपका यहाँ तीन सिंबल आएंगे, वो जो भी आए ये नंबरिंग आपको समझा दी जाएगी कि किस स्टाइल से ये चीजें यूज होती हैं। तीन डेल्टास हैं तो ए के साथ तीन सब आएंगे, एक डेल्टा है तो एक सब, दो डेल्टा है तो दो सब, अगर तीन डेल्टास लगेंगे तो तीन सब आएंगे, ठीक है। इस तरह उनकी एडजस्टमेंट फिर साथ साथ वक्त के समझाई जाएगी। अभी डमी फार्म हुआ ए आई, यहां नोट करें तो ये देखिए आई जे जे के, इसमें डमी कौन सा है, जे, बाकी क्या बचा आई के, तो आई के ने आई के से जब मिलना है इस तरह से, आई के ने आई के से मिलना है तो वो आई आई ही बनना है, ये समझ ले। इनके अभी फिलहाल ये इतना अंदाजा लगा लेंगे, दो डेल्टा तो दो सब सिंबल, अब इधर भी दो सब सिंबल, अगले स्टेप में यहां क्या हुआ है, इन दोनों का फर्क क्या है, आई जे के एल आई के, ये देखिए इन दोनों में डमी कुछ भी नहीं है, आई जे के एल चारों डिफरेंट है ना, तो अब उससे डमी हो जाएगा साथ, इससे डमी आई आपको और के, ये दोनों डमी नजर आ रहे हैं, ये नहीं, ये खत्म हो गया, बाकी क्या बचा जे और एल, वो ए के साथ ऑपरेट हो गया बिल्कुल इसी स्टाइल से। ये इस तरह की बातें जो समझाने वाली हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप कवर करेंगे। ये देखिए सिर्फ दो डेल्टास हैं, आगे एप्लीकेशन किसी चीज की नहीं है, तो क्या हुआ आई जे जे के, ये जे डमी खत्म हो गया, बाकी क्या बच गया आई और ये आई और के, यहाँ पे बचेगा आई जे जे के आई के यहाँ बचना है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट्स आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ परफेक्ट याद हो जाएंगी। अब इधर आइए, ये छोटे छोटे प्रूफ हैं इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए जो हम इससे पिछले लेक्चर में थ्योरम पढ़ चुके हैं कि आई एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन एल एम के, तो इसका सलूशन क्या है, के डमी इंडेक्स है डेल्टास फॉर्म में, डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम माइनस डेल्टा आई एम जे एल, ये तरतीब है फार्मूला याद करने की। अब इसमें जस्ट ये कीमतों की एडजस्टमेंट करनी है कि किसकी जगह क्या लगाएं किसकी जगह क्या लगाएं, ताकि आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स मिलती जाए, इस तरह की स्टेटमेंट्स मिलती जाए कि जो भी दी हुई है, और अल्टीमेटली आपके ये प्रूफ होते जाएंगे, किए हुए हैं सब, वो बुक से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे जो यहाँ पे समझानी है बात वो इस तरह की समझानी है ताकि आपको सिंबॉलिकल लैंग्वेज मसला ना बने। ये देखिए जब ये दोनों एक जैसे आ जाएंगे सिमिलर तो आंसर सिक्स, जब ये फिर से लिखे गए, ये देखिए इसमें तीनों इंडेक्स सेम है, इसमें ये दो इंडेक्स सेम है, दो इंडेक्स सेम है, बाकी क्या बचा आई और एल, वो डेल्टा आई एल बन गया और ये डबल, दो इंडेक्स सेम है। तो मेरा ख्याल यहां पर भी अगर हम इन दो को सेम रख लें फॉर एग्जांपल, तो बाकी क्या बच जाएगा डेल्टा आई आई, इधर वाला और इधर वाला, ये अपनी एक सोच का नाम है, और फिर ये डेल्टा आई आई थ्री हो जाएगा तो टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, तो इस तरह से ये फिर भी बन सकेगा, ये जैसे डेल्टा आई आई थ्री है। ये वक्त के साथ साथ है क्या सोचता है, यहां देखिए यहां तीनों एक जैसे, यहां दो एक जैसे, यहां सिर्फ एक सेम है, ये के और के, यहां पर एक सेम है, जब एक सेम है तो ये दो तो डिफरेंट है, जब इन दो डिफरेंट ने आपस में अब साइलेंट ने मल्टीप्लाई होना है तो उन जोड़े को लिखना कहां है, तो जोड़ा लिखना मसला है, इसलिए एक डेल्टा ऐसा लगाया, एक सिंबल इसमें से लिया, एक सिंबल इसमें से लिया, वो ये भी ले सकते थे आई और एल, जे और एम,
एक आई एक एम कुछ भी ले सकते थे यहां, ये जो डेल्टा लगाया उस डबल सिंबल की वजह से। फिर आगे क्या हुआ, ये खत्म हो गया और अब आई जे एल एम, वो जे एम बचा, जे एम, जे इसका गया, एम इसका गया, आई और एल रह गया, वो टू डेल्टा आई एल। ये कुछ आपको हिंट्स दिए हैं इन चीजों को याद करने के लिए। अभी मैं नहीं कह रहा कि 100% बच्चे ने ये याद कर लिए हैं, बिल्कुल नहीं, जो हो सकता है वही करना है। देखिए ये जितने हो सकते हैं, जितने एक सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर के साथ वर्किंग हो सकती है, मसलन अब ये देख लें, आई जे के आई जे एल, ये आपका ये लास्ट पार्ट है ये वाला, इनके सादा सी बातें हैं कि कब तक ये नहीं आएंगी, ई जी के ई एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन आई जे एल। नोटेबल पॉइंट क्या है, दो एक जैसे है ना, तो बाकी फिर क्या बचेगा, डेल्टा के इधर वाला, एल साथ टू ये वाला, ये देखिए जे के, जे के सिमिलर टू डेल्टा, ये आई ये एल, ऐसे ये काम होने हैं। मतलब ये क्वेश्चन अगर किसी भी स्टेज पे पूछ लिया जाए तो आप इतना तो याद रखे ना, दो एक जैसे हैं, जब दो एक जैसे हैं खत्म हुए, बाकी क्या बच गया, के एल, जो जो बचे हुए वो लिखे, डेल्टा लिखा साथ टू, ये इससे कट गया। और अब ये क्या है, यहाँ डमी इंडेक्स एल है, ये इस क्वेश्चन की तरह डमी इंडेक्स एल है, तो के इसके साथ ऑपरेट हो गया एक। ये इंशाल्लाह मेरा काम है आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों पर परफेक्शन दिलवाना, इन चीजों को 100% याद करवाना। लेकिन मेरी अब जो दौड़ है, मेरी जो सजेशन है वो ये है कि जितना याद कर सकते हैं वो लिखो, साइड पे करके नोट कर लो, बार बार लेक्चर देखने की बजाय मसलन इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजें जो आपकी रेंज में आ रही हैं, इस तरह की चीजें, ये टू आई एल वाला सिलसिला कि जब दो एक जैसे हो, जब तीनों एक जैसे हो, जब सिंगल एक जैसा हो, ठीक है ना, बाकी दो डिफरेंट हो, तो फिर इनकी आउटपुट्स क्या है वो आपने लिखनी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जितनी याद होती जाए। फिर देखिए ये आखिरी एक पार्ट है ये वाला, इसमें कोई मसला नहीं, आई के एस, एस आई के एस आई, ये सिर्फ साइक्लिक ऑर्डर है, इधर एम पी एस, एस एम पी, पी एस एम, साइक्लिक ऑर्डर जब चेंज नहीं होता तो आंसर पेपर नहीं पढ़ना, इसलिए सब आंसर एक जैसे हैं, तो ये साइक्लिक ऑर्डर भी कहीं ना कहीं इशू बनेगा। सो यहां तक का काम आप जितना समझ आया, जितना इसमें से डेफिनेशन ही याद हुई डेल्टा की और इसकी, और ज्यादा से ज्यादा कुछ बातें यहां से जितने सबस्क्रिप्ट लगा के आप ये 3-3 वाले आंसर्स, या ये डमी इंडेक्स खत्म होने वाले आंसर्स, या स्पेशली ये जो पिछले लेक्चर में थ्योरम पढ़ा वो, इस तरह जितने याद हो सकते हैं वो करें, बाकी फिर मेरा काम है कि आपको इंशाल्लाह साथ साथ एडजस्ट करवाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे इनकी वैल्यूज को साथ चला के रिमेम्बर मेमोराइज करवा के चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।